गीता की 11 बातें जो आपका जीवन बदल दे। पहला, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। दूसरा, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वैराग्य होती है, जब बुद्धि वैराग्य होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तीसरा, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। चार, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। पांच, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते, अतः वह इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। छह, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ, मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा प्रदा दोनों मुझ में ही है। साथ, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आठ, अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। नौ, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। 10, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। 11, जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।